आग्रोविजन फाउंडेशन द्वारा प्राकृतिक खेती पुस्तक के मराठी संस्करण नैसर्गिक खेती का विमोचन आज संपन्न हुआ है। वसंतराव देशपांडे मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आग्रोविजन के मुख्य प्रवर्तक, प्राकृतिक खेती के लेखक और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, डॉक्टर शरद गडाक, कुलपति पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर नितिन पाटिल महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति उपस्थित थे। आयोजकों ने किसानों, पर्यावरणविदों आदि से इसमें भाग लेने और प्राकृतिक खेती के भविष्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आह्वान किया है। गुजरात राज्य के राज्यपाल और प्राकृतिक खेती, जिसको हम मराठी में नैसर्गिक खेती ऐसा कहते हैं, उस प्राकृतिक खेती के वो जनक है और इस विषय पर अध्ययन करके उन्होंने अपने गांव में हरियाणा में ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी प्राकृतिक खेती के लिए विशेष रूप से योजना भी बनाई है और बजट से बहुत बड़ा प्रावधान भी किया है। ये जो आचार्य जी की किताब थी वो हिंदी में थी और जब हमारे एग्रोविजन के उद्घाटन के लिए जब आए थे तब मैंने उनसे एक अनुरोध किया था कि इसका मराठी अनुवाद करने के लिए अगर आप अनुमति देंगे तो हम एग्रोविजन की ओर से मराठी अनुवाद तैयार करके हम विदर्भ के और महाराष्ट्र के किसानों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने अनुमति दी और हमारे यहाँ के ज्येष्ठ पत्रकार और विशेष रूप से मेरे साथ जो मीडिया में काम करते हैं ऐसे लोगों ने सहयोग किया, शैलेश जी और बाकी लोगों ने, और उन सब लोगों ने मेहनत करके इसका मराठी अनुवाद तैयार किया है। उस किताब का आज उनके ही हाथ से विमोचन हो रहा है और ये किताब विदर्भ के किसानों तक, महाराष्ट्र के किसानों तक जाए, वो उससे पढ़े और उत्पादन खर्चा कम करे और खेती में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने की कोशिश करे और इन सब प्रयासों से हमारे विदर्भ में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा ऐसी स्थिति निर्माण होगी। इस प्रयासों के लिए अन्य कार्यक्रमों में वर्धा रोड पर नए एग्रोविजन किसान प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र का भूमि पूजन समारोह भी संपन्न हुआ। केंद्र को कृषि शिक्षा और विकास केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। ट्यूबवेल बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं, और हम कहते थे ये कैसा बावला आदमी आ गया जो यूं कहता रात दिन दो बैल चलते हैं, पीछे आदमी डंडा लेके चलता है तब थोड़ा बहुत पानी मिल पाता है, और ये बोलते हैं कि बटन दबाने से ही धरती में पानी निकलेगा। हम सब मजाक करते थे लेकिन वो मजाक नहीं संभव हो पाया। तो गडकरी जी ऐसे विजनरी लीडर कि जो कहते हैं उसको किए बिना छोड़ते ही नहीं। भाई और बहनों, महान पुरुष कौन होते हैं? जो महान पुरुष वो होते हैं जो बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, वो रास्ता नया बनाते हैं और बनाते ही नहीं, जमाने की गर्दन पकड़ करके लोग उसको उस पर चलाने का भी काम करते हैं। तो गडकरी जी एक ऐसे व्यक्तित्व और नेता हैं कि जो काम करना भी जानते हैं और काम करवाना भी जानते हैं। जीवन में वही सफल व्यक्ति है जो खुद काम करना भी जानता है और करवाना भी जानता है, और ये सौभाग्य नागपुर की इस धरती को मिला और आपके बीच में एक नई नई सोच और चिंतन वो देते हैं।
गुजरात के राज्यपाल द्वारा लिखित यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी और अब इसका शीर्षक मराठी में नैसर्गिक खेती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।